मुझे लगता है ऑफ सीजन में आने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो देखो लाल वो ग्लेशियर है बीच बीच में, एक उस दृश्य को देखते हैं और एक इस दृश्य को देखते हैं। थोड़ा उससे जो कोविड के चक्कर में काना ताल पहुंचने वाले हैं बस, और खूबसूरत नजारे शुरू हो गए अभी से ही। वेलकम टू काना ताल। काना ताल, यस, ओके सर, डियर कम। दोस्तों अभी ये है काना ताल, खेत जोत रखा, देखो खेत जोत रखा। दोस्तों जैसा सुना था बिल्कुल उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा है। कई पहाड़ की चोटियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। वो देखो लाल फूल अगर आपको दिख रहे हैं तो ब्रांस के फूल लगे हुए हैं, इनका शरबत भी लोग बना के पीते हैं। चाय पिएगा? नहीं, एक ही बना देना। इसके लिए कुछ और बना दे यार, कुछ है चाय? चाय चाय है तो कब से कर रहे हैं आप ये चाय पिला रहे लोगों को? हम तो कम से कम 40 से 45 साल 45 साल से आप सेवा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा लोग करते हैं। छोटी सी प्यारी सी दुकान है भाई की, छत देखो जी एकदम नेचुरल तरीके से पेंट हो गई है। तो ये अभी सीजन चालू हो गया? नहीं नहीं, अब होगा होली के बाद। होली के बाद? होली के बाद तो भीड़ हो जाती है। नहीं नहीं, भीड़ यह है कि जैसे छुट्टियां से तो कम थोड़ा उससे जो कोविड के चक्कर में बढ़ा उससे थोड़ा कम रहा। टोपी थोड़ा बीच में कर लो आप, अच्छे से बीच में कर लो टोपी। हां ठीक है ठीक है। सुबह 3:30 बजे के चले हुए हैं और अब नींद आ रही है बड़ी। पहले परोठे खाओ बाद में। अभी नाश्ते के लिए रुके हैं, उसके बाद अभी होटल की तलाश है, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। थोड़ी सी वॉक के लिए आए हम पैदल, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये देखो बर्फ़ पड़ी थी, कहीं कहीं पर बर्फ़ दिखाई दे रही है, बहुत शांति है। हल्की फुल्की पक्षियों की आवाज़ आ रही है। हम इस एक प्रॉपर्टी में आए हैं, किसी की है, बस ऐसे घूमते हुए। बर्फ़ गजब नजारा है बिल्कुल। ओहो सही में, देखो मैं कह रहा था वहां भी काम पीसू कैसी है, देखो बर्फ किट। हाँ हाँ हाँ, क्या नजारा है भाई, पूरा हिमालय देख रहे हो। जो वो बर्फ दिख रही है ना उस परत है, नहीं वो ग्लेशियर है बीच बीच में दिख रहा है ना। दोस्तों अभी इवनिंग वॉक पे निकले हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही शांति है। पास में एक आश्रम है, वहाँ से आरती की आवाज़ें आ रही हैं। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। एक बार आप देखें इतना सुंदर दृश्य, देखिए आप, सर्दी है यहाँ पे फिलहाल, नमस्कार प्रणाम, कितना खूबसूरत नजारा। सड़क देखिए एकदम खाली सड़क है यहाँ पर, कोई नहीं आसपास। मुझे लगता है ऑफ सीजन में आने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलती। दोस्तों देखिए ये कितनी साफ सुथरी सड़क आपको नज़र आ रही है, और दुखद बात ये है कि कुछ हम में से, हम जैसे ही कुछ बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि हम कुछ भी करके गंद कहीं भी फेंक सकते हैं। तो जब हम एक उस दृश्य को देखते हैं और एक इस दृश्य को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आप लोगों से मैं एक विनती करना चाहता हूँ, जो भी घूमने आए कहीं पर भी जाए, प्लीज़ आप
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बोतलें, रैपर वगैरह, आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर वहां पर डस्टबिन नहीं है तो आप उसको अपने साथ लेके आ सकते हैं। गाड़ी में कितना वजन ले लेंगे, ये कितनी जगह घेर लेंगे। सिर्फ बहुत आसान होता है ये करना ना, सिर्फ हम नियत होनी चाहिए थोड़ी सी, और कोई बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग थोड़े से भी संवेदनशील अपनी प्रकृति के लिए, इस सुंदर जगह के लिए या कहीं के लिए भी, हमारा पूरा घर है खुद का ना, तो इसको साफ रखना हमारी जिम्मेवारी है, कोई और नहीं आके करेगा इसको। तो अगर हम ये बोतलें नहीं फेंकेंगे तो गंदा भी नहीं होगा। तो अभी 6:30 हुए हैं और सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। आज का हमारा व्लॉग दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अगले व्लॉग में हम मिलेंगे ज़रूर किसी और एक सुंदर सी जगह पे।